यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज, 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के इलाके शामिल। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में आज होगी वोटिंग। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में भी होगा मतदान। पहले चरण में 2,28,00,000 मतदाता 623 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। 9 मंत्री और 73 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। पहले चरण के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। केंद्रीय बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई। उत्तर प्रदेश के सभी बॉर्डर सील किए गए। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री का दावा, कहा जनता ने हमारे काम को देखा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को परखा, हमने जो कहा वो करके दिखाया, पहले की सरकारें सिर्फ फीते काटती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी की सरकारों में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी रही है, हम चुनाव हार हार कर ही जीतने लगे। पीएम मोदी ने कहा हार कर जीत को हमने देखा, लेकिन जीत को सिर नहीं चढ़ाते, हम हर चुनाव से कुछ सीखते हैं। प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया, कहा इनकी सोच परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या नहीं। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को समाजवादी नहीं परिवारवादी करार दिया, बोले उनके परिवार के 45 लोग बड़े पद पर थे, बीजेपी छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा उत्तर प्रदेश में माफिया सरेंडर कर रहे हैं, अब बेटियां प्रदेश में सुरक्षित है। लखीमपुर कांड पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कोर्ट ने जैसे चाहा वैसे जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हो रही है जांच। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस के कारण देश में संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, कांग्रेस नहीं होती तो देश आगे होता। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस देश बांटकर सत्ता चाहती है, सबको साथ लेकर चलने का ही रास्ता विकल्प है। राहुल के जवाब ना देने के आरोपों का भी पीएम मोदी ने खंडन किया, बोले जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं, वो बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर भी तंज कसा, कहा दो लड़कों का घमंड उत्तर प्रदेश ने पहले भी देखा था। 2017 में अखिलेश राहुल को उत्तर प्रदेश ने हराया, 2019 में अखिलेश मायावती जयंत हारेंगे। पंजाब को लेकर पीएम मोदी का दावा, बीजेपी सबसे विश्वसनीय पार्टी के तौर पर उभरी, सुखदेव ढींढसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दो दल हमारे साथ आए। पीएम मोदी ने कहा पंजाब के विकास, स्थिरता और शांति के लिए बीजेपी सरकार है बेहद जरूरी, पंजाब को खून खराबे से निकालना है मकसद। किसान कानून वापस लिए जाने पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश हित में किसान कानून वापस लिया, मैंने किसानों का दिल जीता। पीएम मोदी ने कहा वो संवाद तोड़ने के पक्ष में नहीं, जनता से पूछकर फैसला लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई, कांग्रेस ने फ्री टिकट देकर लोगों को बहकाया। पीएम मोदी बोले समाजवाद के खिलाफ नहीं, बीजेपी सबका साथ ही मेरा मंत्र, जनता के कल्याण पर बीजेपी का फोकस। पीएम मोदी ने कहा डबल इंजन सरकार से विकास तेजी से होता है, गरीबों को फायदा पहुंचता है। पीएम मोदी बोले देश के विकास के लिए जातिगत राजनीति छोड़कर एकता की जरूरत है, ऊंच नीच जाति भेद समाज के हर समुदाय में। चुनाव के समय सीबीआई ईडी के छापों पर सवालों का भी पीएम ने दिया जवाब, कहा दीमक की तरह देश को खा रहा है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार को मिटाने का काम कर रही है सीबीआई ईडी, उनकी कार्रवाई से चुनाव बीच में आ जाते हैं। पीएम मोदी ने खुद को बताया बीजेपी का कार्यकर्ता, कहा जीतने पर घमंड नहीं करते, हारने पर उम्मीद नहीं छोड़ते। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, हम हर स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में फिर उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सहारनपुर में सुबह 12:15 बजे फिजिकल रैली को करेंगे संबोधित, सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मोदी का संयुक्त संबोधन। पीएम मोदी की आज उत्तराखंड के श्रीनगर में भी रैली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली की सभी सीटों के लिए करेंगे प्रचार। आज शाम 7 बजे गोवा में भी रैली करेंगे पीएम मोदी, 20 जगहों पर वर्चुअल टेलीकास्ट भी होगा। पीएम मोदी की सहारनपुर रैली में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, उसके अलावा बिजनौर और संभल में भी आज रैली करेंगे योगी। सीएम योगी ने पीएम के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, लिखा पीड़ित शोषितों के कष्ट मिटाने, डटे हैं राष्ट्रधम पर सीना ताने। मुरादाबाद की जनता से बोले सीएम योगी, महिलाओं को सुरक्षा देना और युवाओं को नौकरी देना सरकार की ड्यूटी। बरेली की जनता से सीएम योगी का संबोधन, पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी, आज बेहतर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश की पहचान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सीतापुर और हरदोई में करेंगे चुनाव प्रचार, 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी आज बिजनौर में करेगी प्रचार, जनसभा को करेगी संबोधित। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के संभल में करेंगे चुनाव प्रचार, आज बरेली भी जाएंगे ओवैसी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर और मुरादाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार, रैली के अलावा रोड शो भी करेंगी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हमला, बोली बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान, जनता सिखाएगी सबको सबक। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का निशाना, कहा बीजेपी अयोध्या वाराणसी मथुरा पर अटकी, इन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ी, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी ने मौर्य के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मायावती के करीबी पूर्व आईएएस कुंवर फतेह बहादुर सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, अखिलेश ने ट्वीट कर दी जानकारी। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और हापुड़ के एसपी की चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से पहले 12.5 करोड़ से ज्यादा कैश और करीब 4 लाख लीटर शराब जब्त की गई, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। राहुल गांधी आज उत्तराखंड जाएंगे, जोगेश्वर में स्वाभिमान रैली को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का दृष्टि पत्र जारी, 50,000 सरकारी नौकरी, गरीबों को 3 फ्री सिलेंडर और 5 लाख तक का बीमा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का वादा, पहाड़ी जिलों में गर्भवती महिलाओं को 40,000 का मातृत्व अनुदान और बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। दृष्टि पत्र जारी करने के बाद बोले नितिन गडकरी, उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में अमेरिका के बराबर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मायम में घर घर जाकर प्रचार किया, सीएम प्रमोद सावंत भी थे साथ मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह का वादा, अगले 5 साल में हर गोवावासी को घर देंगे, पेट्रोल पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर आप और टीएमसी, कहा बीजेपी ही गोवा का विकास कर सकती है। पंजाब के बरनाला में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रचार के दौरान लोगों के साथ खेला क्रिकेट। चुनाव प्रचार छोड़ एक बार फिर वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, एक हफ्ते में दूसरी बार गए वैष्णो देवी मंदिर। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने नई जिम्मेदारी ली, पंजाब चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब में प्रचार किया, सिद्धू पर निशाना साधा, कहा दुश्मन को गले लगाते हैं पीसीसी चीफ। पंजाब में चुनाव को लेकर एक्शन, 399 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सामान जब्त किया गया। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच में सुनवाई, याचिका में राज्य सरकार के ड्रेस कोड को दी गई है चुनौती। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, कहा कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत नहीं दी इसलिए ड्रेस कोड जारी रहेगा। बढ़ते विवाद को देखते हुए बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर रोक, 2 हफ्ते तक प्रतिबंध लगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा दाढ़ी हिजाब से किसी को क्या परेशानी, हमारी बेटियां क्या पहने हम ये तय करेंगे। हिजाब विवाद को लेकर लालू यादव का मोदी सरकार पर निशाना, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है देश, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, हिजाब विवाद को लेकर तूल दे रही है विपक्ष, देश का माहौल बिगाड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, बेनकाब हो चुके लोग हिजाब पर सियासत कर रहे हैं, तुष्टीकरण करने वाले हिजाब विवाद लेकर आए। हिजाब विवाद पर बोली हेमा मालिनी, स्कूल शिक्षा के लिए है, धार्मिक मामलों को वहां नहीं लाना चाहिए। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हिजाब पहनने में कुछ भी गलत नहीं, भारत एक स्वतंत्र देश। एनसीपी नेता नवाब मलिक का ईडी के जरिए केंद्र पर निशाना, कहा ईडी का इस्तेमाल कर नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आज से 4 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 से 2020 के दौरान बेरोजगारी के कारण 9,140 लोगों ने सुसाइड किया, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी। 26 अप्रैल से होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा, कोरोना महामारी की वजह से 2 टर्म में हो रहे हैं एग्जाम। सरकार ने ड्रोन के आयात पर लगाया प्रतिबंध, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना मकसद। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन पर लगेगा रॉयल्टी का 30 गुना जुर्माना, शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए, 1,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 23,253 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 92 लोगों की मौत। मुंबई में लगातार 3rd दिन 500 से कम कोरोना के केस दर्ज किए गए, बुधवार को 441 लोग पाए गए पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना के 5,349 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 3,971 नए मामले, 28 मरीजों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, 24 घंटे में 1,317 नए मामले, 13 की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 315 नए मामले, 6 की मौत। WHO ने दी चेतावनी, ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए वेरियंट आने की आशंका। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ बच्चों को लगे कोरोना वैक्सीन के टीके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना प्रतिबंध में ढील, नाइट कर्फ्यू हटा, 50% क्षमता के साथ इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों को छूट। पंजाब के अमृतसर में एसटीएफ को मिली सफलता, टीम ने बरामद किए 2 टिफिन बम। राजधानी दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, वाहनों की जांच करते नजर आए पुलिसकर्मी। हैदराबाद दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, संत श्री रामानुजाचार्य के
सहस्त्र शताब्दी समारोह में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की कार्यक्रम में शिरकत, बोले यहां आकर धन्य हो गया मेरा जीवन। इंदौर में लता दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गाया गाना। केरल में वैलेंटाइंस डे पर शादी करेंगे ट्रांसजेंडर कपल श्यामा एस प्रभा और मनु कार्तिक। मनु ने कहा, मैंने 4 साल पहले किया था श्यामा को प्रपोज। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी किया शुक्र ग्रह की ताजा तस्वीर, बादलों से ढकी दिख रही सतह की तस्वीर। भारत ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 44 रनों से हराया, सीरीज पर किया कब्जा। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे टीम इंडिया। भारत ने जीत के लिए रखा था 238 रनों का लक्ष्य, वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 237 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 64 और केएल राहुल ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। टीम इंडिया के प्रसिद्ध कृष्णा को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, कृष्णा ने 9 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट चटके। प्रसिद्ध कृष्णा के नाम रिकॉर्ड दर्ज, भारत में वनडे मैच में सबसे कम रन देकर विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। टीम इंडिया के गेंदबाज दीपक हुड्डा ने करियर के पहले ओवर में ही लिया विकेट, वेस्टइंडीज के ब्रुक्स को भेजा पवेलियन। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 11वीं वनडे सीरीज जीती, इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ भी जीता है 11 सीरीज। आईसीसी की मेंस वनडे रैंकिंग में विराट के करीब रोहित, विराट दूसरे और रोहित तीसरे स्थान पर कायम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।